सो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसके वो देख करके आप कहोगे कि वाओ क्या एप्लीकेशंस हैं। सो गाइस प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज यार पूरा फुल वीडियो वॉच करना। नंबर 1 फर्स्ट एप्लीकेशन फुल स्क्रीन गेचर। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो, जैसा कि मान लो सपोर्ट दैट जैसे आपके बैक आपका फोन का स्क्रीन टूट चुका है और आपका स्क्रीन पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो जो परमिशन रिक्वायर्ड होती है इसको अलाउ कर दो। अलाउ करने के बाद आप राइट स्वाइप पे तो ये एप्लीकेशन आपको बैक कर देगा, और अगर लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको रिसेंट एप्लीकेशन शो करेगा। और ये सेकेंड एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है स्क्रीन टाइम लॉकर। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो परमिशन ये एप्लीकेशन मांगती है कुछ परमिशंस को अलाउ करना है, एक्सेसबिलिटी से इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद गाइस इस एप्लीकेशन में जो ये जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको अनलॉक कर देना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगती है, इस परमिशन को अलाउ कर देना है। इस एप्लीकेशन में जो आपके करंट टाइम हो गए मोबाइल फोन के उसी टाइम से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक आप और एडिशनल पासवर्ड डाल सकते हो कि उस पासवर्ड से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाओ। तो आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को छुपाना चाहते हो, प्राइवेसी रखना, किसी फोटोज किसी वीडियोस को, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्राइवेट लॉक्स के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यह कैलकुलेटर जनरली तरीके से कैलकुलेटर का काम करेगा, लेकिन इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करके इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो गाइस मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट टू यूज़ वाले ऑप्शन पे टैप करके इस जगह पे आपको परमिशन अलाउ कर देने हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे पासवर्ड पूछेंगी कि आप किस तरह के पासवर्ड को सेट करना चाहते हो। जैसे कि मान लो 123 ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद जब भी मैं ये वर्ड को टाइप करूँगा तो मेरा ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए। एक फ़ोटो खींचता हूँ, इस फोटो को मैंने खींच करके इसको सेव कर दिया। तो उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन से बैक चल जाता हूँ। मैंने इसमें लॉक डाल दिया है, ये मेरा लॉक हो गया। जब भी मैं इस फोटो को देखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करके उस फोटो को देख सकता हूँ या उस वीडियो को देख सकता हूँ। और बाय द वे अगर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया तो वो जनरली अगर किसी ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर भी लिया, ओपन कर लिया, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट छुपाया हुआ है। वो जनरली ये कैलकुलेटर का यूज़ कर पाएगा। उस फोटो वीडियोस या उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो जिसको आपने हाइड किया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना उस पासवर्ड को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये बराबर वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को देख। सो गाइस अब चलते हैं चौथे एप्लीकेशन की तरफ। आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है स्टाइल टेक्स्ट। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को या किसी भी व्हाट्सअप किसी भी स्टेटस को अगर आप लगाते हो तो आप अपने स्टाइलिश फॉन्ट में अपने स्टेटस को लगा सकते हो, या किसी से चैट कर रहे हो तो आप एक से एक अलग से अलग फॉन्ट का यूज़ कर पाओगे। सो गाइस मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेंगी, इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद सो गाइस मैं इसको एक्सेसिबिलिटी से ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, इसको एक्सेसिबिलिटी से इसकी परमिशन अलाउ कर देता हूँ। और परमिशन अलाउ करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। सो गाइज मैंने एप्लीकेशन की सारे परमिशन को अलाउ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जिस भी टेक्स्ट से आप किसी फ्रेंड से चैट करना चाहते हो, यहाँ पे ये हार्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे टैप करके आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके किसी भी फ्रेंड से व्हाट्सएप फेसबुक या मैसेज से चैट कर सकते हो। और गाइज चलते हैं अब अपने सबसे लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, और इस एप्लीकेशन का नाम है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट। इस एप्लीकेशन से आप अपने इंटरनेट स्पीड को जान सकते हो। जैसा कि मान लो आप कभी अपने इंटरनेट को ओपन किया और पता चल रहा है कि मेरा इंटरनेट स्पीड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब मेरा सर्चिंग हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कितना kbps चल रहा है, तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे तो आपके स्क्रीन पे ये दिखाएगा कितना kbps आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और किस डेट में कितने डेटा को यूज़ किए हैं। वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वाइज ये आपको बताएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन आपको डेट वाइज बताएगा कि आपने किस डेट में कितनी MB यूज़ की,
कितना MB मोबाइल डेटा यूज़ किया, कितना MB वाईफाई डेटा यूज़ किया, और टोटल डेटा यहाँ पे काउंटिंग करके बताता है। सो गाइज, इन सारे एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं इससे और बेहतरीन एप्लीकेशन की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।